असि उस चौक ना खड़े हो सकते हैं कि जिसनों अपनी गल तो आ जाए तो जनाब दो दिन के अंदर इतमाद का वोट तो हजूर की नामूस का मसला जितने महीने हो गए और सफीर को मुल्क तो बाहर ना भेज सके। लोग कहते हैं तुम सफीर क्यों कढ़ाना चाहते हो, मैं तो तुम्हें एक गल दसना चाहते हैं। वो कहते हैं सफीर कढ़ने वाले की करेंगे, वो सारे जो ममालिक हैं साडे नाल ताल्लुक तोड़ देंगे। मैं कह मेरी गल सुनो, तुम सफीर को बुलाओगे, सफीर को बुला के कहोगे कि तुहाडे मुल्क रियासी सतह से साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी हुई, असी तुहानू पसंद ही नहीं करते, तू इत्थों जा अपने मुल्क वापस चला जा और उन्होंने जाके दस कि मुसलमान गैरतमंद अपने नबी दे इज्जत दे अगे किसी शह को कोई नहीं समझते। सफीर को जहाज बिठाओगे वापस चला जाएगा। तो मैं क्या अगे जाके तुम ये कहते हो कि अगर इस फ्रांस के सफीर को वापस भेज दिया जाए तो वह सारे मुल्क साढ़े ना तालुका तोड़ देंगे। मैं क्या उन्होंने सफीर वापस जाए पाकिस्तान को तो वह थोड़े ना तालुका तोड़ देन तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उत्ते गुस्ताखी होवे तो तुम उन्हें तालुक ना तोड़ सको। फिर यह दसो कि गैरतमंद थोड़े ना वो ज्यादा नहीं है तुम ज्यादा हो जिन्होंने अपने सफीर की इतनी गैरत है कि वह थोड़े ना तालुक तोड़न वास्ते तैयार हैं तो तुम्हें अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की गैरत कोई नहीं कि तुम उन्होंने सफीर अपने मुल्क चो कढ़ सको। असं बड़िया नरम मिजाजी नाल कर रहे हैं, तुहानू टाइम भी दे दिता लेकिन हुण तुहाडे नाल मावां छोड़ के टाइम आ चुका कि बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफिके तजर्बा नहीं दीन शाहबाजी। ये सारे जितने उत्ते बैठे ने बाल गला चंगा होया तुसी बदल रहे हो नाल अपनी नवी शरीयत भी कढ़ लेने नाल अपनी नवीं गल्लां भी कढ़ लियां ने। बाल कहंदा तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफिके तजर्बा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहंदा शाहबाज वाला दीन कभी बटेरियां दे हाथ नहीं आ सकता, बटेरे की जब इतनी गुदारी होती है इतों फटकारी मारी उसे तक तो शाहबाज हो जो लोहे सुपर नहीं अपनी निगाह जाता। यह दीन शाहबाजा का, यह दीन दलेर का।